कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर अब बीजेपी पर निशाना साधा है। इंदौर में उन्होंने कहा कि बीजेपी को जुमला करना था, कर लिया। मुझे तो लग रहा था कि एक इवेंट चाहते हैं, जो उन्होंने कर लिया। उन्होंने कहा कि साल 2094 में दिग्विजय सिंह सरकार के समय हम लोकल चुनाव में एक तिहाई आरक्षण लेकर आए थे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हर जगह ईडी काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। कांग्रेस के पास तो कोई धन नहीं है, कोई साधन जुटाने का कोई अब है भी नहीं, क्योंकि सब जगह ईडी आईडी चलती है। बट हमारे साथ पब्लिक है, और जिसके साथ पब्लिक है वो जीतता है। जबरदस्त तूफान है यहाँ पर। 20 साल की एंटी इनकमेंसी है, इनको शिवराज जी को कोई नहीं बचा सकता।